गुरुग्राम के सेक्टर 109 में शाम 5 बजे चिंतल सोसाइटी में एक बड़ा हादसा देखने को मिला, जहां टावर डी में निर्माण कार्य चल रहा था, जिसके चलते सातवें फ्लोर की छत गिर गई और देखते ही देखते सातवें फ्लोर से लेकर पहली मंजिल तक लैंटर नीचे गिर गया, जिसमें दो परिवार इस पूरे हादसे में दब गए हैं। NDRF SDRF की टीम ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर काफ़ी देर तक काम किया और इस मलबे से एक शव को बाहर निकाला, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। इस हादसे में IAS ऑफिसर अरुण श्रीवास्तव श्री अपने परिवार के साथ इस हादसे के दौरान मलबे में दबे गए, जिन्हें काफ़ी मशक्कत के बाद करीब 3:30 बजे मलबे से बाहर निकाला गया। हालांकि इस दौरान ही ऑपरेशन चल रहा था, उस दौरान राहत कर्मी से बात कर रहे थे। गुरुग्राम सेक्टर 109 में चिंतल सोसाइटी हादसा बिल्डर के खिलाफ बजखेड़ा थाने में मामला दर्ज किया गया है। IPC की धारा 304A और धारा 34 के तहत किया गया मामला दर्ज। गुरुग्राम चिंतल सोसाइटी हादसा मामला, मलबे में फंसे अरुण श्रीवास्तव को सकुशल निकाला गया। मलबे में आधा शरीर का हिस्सा दबा हुआ था, पिछले 18 घंटों से मलबे में फंसे गए हुए थे। अरुण श्रीवास्तव फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक्सीडेंट हुआ क्या जानकारी लगी है और अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? आज इसमें सेक्टर 109 में इसमें कॉलोनी में जिसका नाम है चिंटल पैराडियस है, इन यहाँ पे एक इस तरीके की सूचना हमें मिली थी लगभग 6 बजे के आसपास के एक पर्टिकुलर टावर में, डी टावर में कुछ ब्लॉक्स हैं वो नीचे गिर गए हैं और मलबे में कुछ लोग फंसे हुए हैं। तो तुरंत हमने विदिन 10-15 मिनट्स एडमिनिस्ट्रेशन की टीम्स, पुलिस की टीम्स यहाँ पे पहुँची। NDRF और SDRF भी मौके पे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। जो सूचना मिली है वो ये मिली है कि टोटल 18 स्टोरी बिल्डिंग थी, उसमें से ऊपर के 12 जो ब्लॉक्स हैं, फ्लोर्स हैं, वो सेफ हैं। नीचे के जो 6 फ्लोर्स हैं उनमें से एक पर्टिकुलर सेक्शन पिलर्स के बीच में जो डाइनिंग एरिया है वो 6th फ्लोर से लेकर के 1st फ्लोर तक गिर गया है, और हर एक फ्लोर पे बाकी सारे रूम्स बिल्कुल सेफ हैं, ठीक हैं। सिर्फ वो पर्टिकुलर एरिया मेरे ख्याल से लगभग 40-50 स्क्वायर फीट का एरिया वो नीचे गिर करके 1st फ्लोर तक पहुँच गया है, और जो 1st फ्लोर की जो स्ट्रक्चर है उसमें भी बल जा गया है, हालाँकि वो ग्राउंड पर नहीं गिरी है। तो हमने पता कराया कि टोटल कितने लोग फंसे हैं, तो ये पता चला कि जो 3 से लेकर के 6 फ्लोर्स तक कोई भी वहाँ पे नहीं रह रहा था, तो 1st और 2nd फ्लोर पे ही लोगों के फंसे होने की सूचना मिली। उसमें भी जितने लोग अब बाहर आए हैं उसमें से ये पता चला है कि टोटल 3 लोग उसमें फंसे थे ओरिजिनली, उसमें से एक की जो डेथ है वो कन्फर्म्ड है, डेड बॉडी बाहर निकाली जा चुकी है, जो कि महिला 2nd फ्लोर पे जो रहती थी, 2nd फ्लोर पे उनके अलावा कोई और नहीं रह रहा था और उनकी डेड बॉडी बाहर हमने निकाल ली है। 1st फ्लोर पे टोटल 2 लोग रहते थे जो फंसे हुए थे, उनमें से एक जो महिला हैं वो मलबे के अंदर अभी हम स्पॉट नहीं कर पाए हैं, देख नहीं पाए हैं, तो उनकी फंसे होने की संभावना है। और जो पुरुष हैं मिस्टर अरुण श्रीवास्तव जो कि इंडियन रेलवे इंजीनियरिंग सर्विस के ऑफिसर हैं, वो आधे फंसे हुए हैं, उनके जो बॉडी का लोअर हिस्सा है उस पर मलबा गिरा हुआ है, अपर हिस्सा बाहर है, कुछ उनको इंजरीज भी हुई हैं, तो हमने ट्रीटमेंट चालू कर रखा है। हमारे जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं वो भी यहाँ पे हैं और एम्बुलेंसेज वगैरह भी हैं। जो मलबा है उसको बीम लगा करके सपोर्ट करके और उनकी बॉडी को बाहर निकालने की कोशिश जारी है। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।